साथियों वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करंट अफेयर्स क्वेश्चन करेंगे, लगभग 100 प्लस क्वेश्चन होंगे या 200 हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो गुजरात एवं महाराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन है, एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो ज्योति आत्रे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में ब्रिटिश 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किन देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो पराग्वे को। अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो मालदीव से। अगला क्वेश्चन है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो इगा स्वीटेक ने। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम रहीसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई है? तो थे ईरान के। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो करीना कपूर खान को। अगला क्वेश्चन है, फोन पे ने किस देश पे यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, 46वीं अंटार्कटिक संधि परमारदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कोच्ची में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो आगरा में। अगला क्वेश्चन है, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? नजबुल हुसैन सांतू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 25 मई। अगला क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो रोटरडैम नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, आसियान भारत
वस्तु व्यापार समझौते में AITIGA की परीक्षा के लिए चौथे संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? तो मलेशिया में। अगला क्वेश्चन है, CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए हैं? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी ने किस जिले में फिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? तो रुद्रप्रयाग से। अगला क्वेश्चन है, 13 मई 2024 किस देश में अवस्थित माउंट एबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? जापान ने। जापान। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची खगोली वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जापान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ईरान में। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? अमन सहरावाल। अगला क्वेश्चन है, भारत फ्रांस संयुक्त सेना अभ्यास शक्ति 7वीं संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किन ने बनाया है? तो कामी रीता शेर्पा ने, जो नेपाल की हैं। इन्होंने 30 बार बनाया है, 30 बार। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? फ्री एंट्री समय सीमा, तो श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? सिंकुला पास हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील किस राज्य की शुरू किया गया है? तो मणिपुर में। कहां पर किया? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की जयंती कब मनाई गई है? तो 5 मई को। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो 23 देशों के चुनाव प्रबंधन शामिल हुए थे इसमें। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो IIT जयपुर। अगला क्वेश्चन है, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं की किस अफ्रीकी देश ने समझौता किया है? तो नामीबिया ने। अगला क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है?
युवराज सिंह को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो वैशाली रमेश बाबू को। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? संस्कृत मंत्रालय के तहत कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? किस राज्य में शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है, किस लोक नृत्य प्रसिद्ध गायक हैं यक्षगान से? अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो लेट्स मूव इंडिया। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 को स्पेन किस संगठन को 99वां सदस्य बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। अगला क्वेश्चन है, किस जर्मनी लेखक को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जेनी एर्पेनबेग को। अगला क्वेश्चन है, 21 मई 2024 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ हुई है? कहाँ पर हुई है? तो कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? एडवर्ड, सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2027 को महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? किस देश को चुना गया है? तो ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में जिसमें किस ट्रांस वुमेन को पिंक नेपाल चुना गया है? तो अनमोल राय को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? तो बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहले भारतीय बन गई है? तो सृष्टि खंडागले। षष्ठी खंडागले। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस ने 77वीं फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म कांस लोसने पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी पुरस्कार मिला है? जो चितानंद नायक को। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस को 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया है? तो अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर्स इंडेक्स में
2024 में किस भारतीय को दुनिया की 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो अमेश मुकेश अम्बानी और गौतम अडानी को। तो डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है, 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह को संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चाबहार बंदरगाह है, जो कहाँ पर? ईरान। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पवन सिंधी को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो भारत। अगला क्वेश्चन है, 7 मई 2024 को कमांडर कॉन्क्लेव का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? जैन प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातात्विक ने कहाँ 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती खोजी है? तो पूर्वोत्तर सर्बिया में। कहाँ पर खोजी है? तो पूर्वोत्तर सर्बिया में। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो आ प्रेस फॉर द प्लेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। जी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में माता तीर्थ ओंसी यानी माता दिवस मनाया गया है? तो नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सीनियर फुटबॉल बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो स्कॉट फ्लेमिंग को। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 22 को युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने जीते थे? 43। अगला क्वेश्चन है, भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का 4वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? भारत और घाना संयुक्त व्यापार समिति का 4वां सत्र कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो अंकारा में, अंकारा। अगला क्वेश्चन है, 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? चेंज 6। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य की वन जीव विज्ञान डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए हिडली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ता ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल को तामजा ब्लू होल TJBH की खोज किस स्थान पर की है? तो मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो आलोक शुक्ला को। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो सुनीता विलियम्स।
अगला क्वेश्चन है, 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है? तो राजीव गांधी की। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 39 यानी 39 है कुल। अगला क्वेश्चन है, विश्व महिला एकल टेनिस टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो मनिका बत्रा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? अमन सहरावत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल की थी। अगला क्वेश्चन है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पास दी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मेरिल स्ट्रीप को। अगला क्वेश्चन है, 14 मई 2024 को मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 250वां। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितनी लोगों को नागरिकता दी गई थी? तो 14 लोगों को। अगला क्वेश्चन है, समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ UN की असेंबली में किसे स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो फिलिस्तीन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQQ लॉन्च किया है? तो पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिवेट डॉक्टर KS रजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो पद्मश्री से। अगला क्वेश्चन है, भारत की लोक कला और जनजाति परंपरा को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दुबई में। अगला क्वेश्चन है, अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो श्रीलंका। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन है, 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह का विषय क्या है? तो ह्यूमनली पॉसिबल और इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो अजीत डोभाल ने। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश से पारित किया गया था? तो अमेरिका में। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित हुआ? तो ब्रिटेन सही है यहाँ पे। कहाँ पर? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान किस अनुच्छेद के तहत
14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह गर्भ को समाप्ति की अनुमति दी है, अनुच्छेद 142 में है। अगला क्वेश्चन है, लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 से किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इताना बोनमती। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो जम्मू कश्मीर सही है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हुसैन बोल्ट को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा रहा अशदोद बंदरगाह है किस देश में स्थित है? तो इजराइल में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो एशिया को। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? प्रोफेसर नाइमा खातून। अगला क्वेश्चन है, 70वीं फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल ने लासनेव सेक्शन में चुनी जाने वाली सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वन टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो पहली। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? यजुवेंद्र चहल। अगला क्वेश्चन है, किस पश्चिमी एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया है? तो कुवैत सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डायरेक्ट की उपाधि सम्मानित किया गया है? तो रामचरण को। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराव को। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? तो फिलिस्तीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खोमजोंग दिवस मनाया है? तो मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, गुजरात किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो सूरत से।